तो भाई यहाँ पे बन रहा है शादी वाला आलू रोल। तो भैया कितने किलो आलू है ये? उबले उबले आलू है ना। और ये ऐसे इसको कद्दूकस करना है, घिसना है ऐसे, ठीक है। ये 5 किलो आलू है, आलू रोल बन रहा है। क्या क्या इसमें मसाला डलेगा वो सारा देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मसाला बताना भैया धीरे धीरे करके। और चलिए पहले इसको घिसने देते हैं, उसके बाद जब मसाला डलेगा वो देखेंगे। तो भैया आप बताओ यहाँ पे आपने आलू में क्या डाला? थोड़ा सा कलर डाला है, हल्का सा पीला कलर डाला है। सूरज अब डाल रहे हैं इसमें मसाले। सबसे पहले गया आपका अजीनोमोटो, घर पे बनाओगे तो भाई ऑप्शनल है। विनेगर चलेगा आपका, यह है जिंजर गार्लिक और अदरक हरी मिर्च लहसुन, अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है ये। अजवाइन थोड़ी, कसूरी मेथी 20 ग्राम, कसूरी मेथी 20 ग्राम, कुटी हुई लाल मिर्च, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 50 ग्राम, तिल सफेद तिल 200 ग्राम, 200 ग्राम सफेद तिल। और यहाँ पे भैया कर रहे हैं मूंगफली की तुड़ाई। नमक नमक जाएगा आपका 40 ग्राम, 40 ग्राम अराउंड आपका नमक। और यहाँ पे मूंगफली जाएगी। अब इसको मिलाएंगे, ये अच्छे से इसको मिला के इसका डोसा, मतलब मल्ली बोलते हैं ना इसमें, मल्ली इसको डो बोलते हैं वैसे भैया तेरे। रुक दीजिए, नहीं नहीं रुकी नहीं है, चल रही है, रुकेगी क्यों, आप करो आराम से। इसमें और लगाना है ना, अभी और सामान लगाना है, ठीक है, इसको अच्छे से मिलाना है। तो अच्छे से आपने इसको मिलाना है ताकि सारा मसाला आपस में मिल जाए, ठीक है। और इसमें फिर डालेंगे मूंगफली, अभी इसमें थोड़ा बेसन लगेगा। अच्छा ठीक है, अभी और भी सामान लगेगा, ठीक है, लगेगा। तो इसमें डाल रहे हैं बारीक बेसन, ये कितना जाएगा? 250 ग्राम। तो अभी ये आधा उधर कर दिया भैया ने, अब ये 2.5 किलो आलू रह गया। इसमें बेसन डाला है, सेम बनेगा, दोनों सेम है, बस उसमें थोड़ा कलर और लगेगा, थोड़ा कलर का फर्क हो जाएगा ना बस, इसलिए भैया ने थोड़ा आधा अलग कर दिया। उसमें कलर डालेंगे तो थोड़ा दिखने में अलग लगे, बस और कुछ नहीं, बाकी सेम है सारा। और इसको कुछ बता रहे थे भैया, बहुत अच्छी, ज्यादा भी नहीं मलना इसको। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मलोगे तो फिर आलू ढीला हो जाएगा, ढीला चिपचिपा सा हो जाएगा वो। नमक लगा होता है ना इसमें? हाँ ठीक है, ज्यादा भी नहीं मलना, घिस घिस के वो फिर ऐसे चिपचिपा सा हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं सही से। थोड़ा अरारोट लगाना, ये है अरारोट, ये कितना जाएगा भैया? ये जाएगा कोई 5 किलो में जाएगा तुम्हारा, 1 किलो, 5 किलो में 1 किलो। अभी 250 किलो रह गया है, तो ये आधा किलो होगा, तो 2.5 किलो में ये आधा किलो जाएगा। और अच्छे से इसको मिलाना है। और कुछ डलेगा भैया इसमें? नहीं, बस ये मूंगफली जाएगी, मूंगफली उसमें जाएगी, उस वाले में जाएगी। इस वाले में क्यों नहीं? टेस्ट अलग हो जाएगा ना थोड़ा। अच्छा का टेस्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मूंगफली का टेस्ट। ओके 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 ठीक है, उसमें मूंगफली जाएगी, आप मिला भी सकते हैं, इसमें भी मिला सकते हैं, मिला सकते हो, ठीक है, मूंगफली जाएगी, देखो मूंगफली डाल, उसमें मूंगफली जाएगी, इसमें तिल वाला बन रहा है, मूंगफली वाला बनेगा, बस यही फर्क है। और उसमें कलर लगेगा बस, बस और कोई फर्क नहीं, और मसाले सेम ही है सारे, मसाले सेम है, मसाले तो मैंने लगा दिए इसमें सारे, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। उसमें अरारोट भी नहीं लगेगा? अरारोट लगेगा, अरारोट लगेगा बस, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने देते हैं भैया को मल्ली, इसकी जब इसकी रोल बनाएंगे तब देखेंगे। भैया होने वाला कितना टाइम लगेगा इसमें? लग जाएगा कोई 10 मिनट, 10 मिनट ऐसे, नहीं इसको नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मल्ली जो आप लगा रहे हैं ये तो तैयार तैयार है ना, चलिए ठीक है, चलिए इसके रोल बनाते हैं, रोल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भैया इसकी रोली बना रहे हैं, ऐसे जो शेप होती है ना इसकी, वो बना रहे हैं, ठीक है। देखो भैया शुरू से बताना है, कट करके अपने ऐसे तोड़ना है इसको, ऐसे दबाना है, और ऐसे बस छोटे छोटे इसके गोली तोड़नी है, और उसके रोल बनाना है, ठीक है, इस तरीके से बनाना है लंबा। भैया जी का नाम है बबलू, बबलू भैया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे बनाने, तो चलिए इन्हें बनाने देते हैं, खत्म करने देते हैं पूरा, फिर जब सेकेंगे तब देखेंगे।
तो यहाँ पे बन चुके हैं, वहाँ पे तलने जा रहे हैं। तेल कैसा रखना है, गरम की मीडियम? गरम मीडियम गरम तेल में डालना है, गरम तेल में ना, आधा नॉर्मल रखना है, बहुत खोलता हुआ नॉर्मल ठीक है, मीडियम आंच पे रखना है। पाँच सात मिनट ले लेगा भैया ये, पाँच सात मिनट तो लगेगा ना, पाँच मिनट में हो जाएगा ठीक है। तो चलिए पकने देते, बीच बीच में कड़ची आप चलाते रहिएगा। और सीधी बात ना, अंदर आ गया मार जा के। ये देख लो भाई, यहाँ पे हाफ डन हो चुका है, इसको हाफ डन करके रखा है। जब पार्टी आएगी तो दोबारा इसको फ्राई करेंगे 2 से 5 मिनट, फिर आपका डन हो जाएगा। अब ये हाफ डन है, तो शादी पार्टी में ऐसे हाफ डन करके रखा जाता है ठीक है। तो आप इसको 2 बार फ्राई करोगे तो ज़्यादा करारा बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार फॉलो माय पेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।